खास तौर पर मुझे यहाँ पर बुलाया गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया। आप लोगों के साथ में थोड़ा समुंदर की भी हवा खाने का मौका मिलता, लेकिन फिर कभी मुझे पता है कि आप लोग बार बार अच्छे प्रोग्राम करते रहते हैं। खास बात आप लोगों की ये मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने देश के बच्चों को, देश के टैलेंट को हर तरीके से अलग अलग अंदाज में प्रमोट करने की कोशिश करते कि हमारा बच्चा उस मुकाम पे जाए, वो मंजिल हासिल करे। उसी लिए खास तौर पर मैं आपके प्रोग्राम में चला आया। जोरदार तालियां। तो आपको ये कैसा लगता है, और पॉलिटिक्स में होके आपने एक फैशन इंडस्ट्री में भी उतना ही साथ दिया जितना पॉलिटिक्स में आप साथ देते हैं सर, सो क्या भावना है और क्या कहेंगे हमारी जनता? देखिए, पहले तो मैं गुरमीत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछले कई साल से मैं उनको जानता हूँ। बबलू हमारे दोस्त जो पिछले कई साल से हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे एक टीम का हिस्सा हमेशा रहे, और खास तौर पर यहाँ आने की वजह ये थी एक बच्चों को एक मोटिवेट करने का, बढ़ाने का, असली ग्रूमिंग करने का जो काम कर रहे हैं,
इसमें कई कैलेंडर्स के जरिए मैं आज इत्तेफाक की बात है उसमें मैं जब आया मुझे सरप्राइज मिला कि मेरे बेटे का भी उसमें कैलेंडर के अंदर फोटो था। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अजान का जब मैं फोटो देखा बाहर आने के बाद मेरा ही बेटा साथ फोटो के अंदर है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात लगती है जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और नवी मुंबई शहर के अंदर एक बच्चों को एक लेडीज़ को अपने घर से बाहर आने का एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं इसके लिए मैं बिल्कुल उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरी सरकार की ओर से यह हाजी अराफात शेख उनके साथ हमेशा साथ में रहेगा। पॉलिटिक्स की आपने जब बात किया तो हम पॉलिटिक्स जब दुनिया में जब रहते तो जिस तरीके से नेता और अभिनेता तो दोनों से ही पहिया चलता है। तो ये जितने लोगों को बच्चों को अभिनेता बनाने के लिए जा रहे हैं और एक क्लासेस के जरिए एक बच्चों को किस तरीके से आगे ग्रूम करना है, एक्टिंग कैसा सिखाना है, कैसा वो डायरेक्टर बनेंगे, कैसे राइटर बनेंगे, कैसे एक्टर बनेंगे, किस तरीके से मॉडलिंग करना चाहिए और ये सारी जो ट्रेनिंग देने का जो काम किया और जो बीड़ा उठाया है बिल्कुल मैं उसकी बात को उनका सराहना करता हूँ। और हम पूरा उनके साथ उनका साथ देंगे हर अच्छे काम में। यह हाजी अराफात शेख उनके साथ खड़ा रहेगा, उनकी क्लासेस के साथ में खड़ा रहेगा। सरकार की जितनी भी योजना है वो योजना वहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे ताकि जो लोग इनके पास जुड़े जुड़ने के बाद वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो देश के एक सितारा बनना चाहिए, देश के एक नामवर एक्टर होना चाहिए। कहीं ना कहीं हर बच्चा हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा तरक्की की राह पे जाए, ऊंची बुलंदी पे जाए। तो ऊंची बुलंदी पे जाने के लिए जो गुरमीत जी और बबलू जो काम कर रहे हैं बिल्कुल हम उनका सपोर्ट करेंगे। कुछ दिनों के अंदर हम एक फिल्म फेडरेशन बड़े पैमाने पे खोलने जा रहे हैं, उसके अंदर कई बड़े स्टार्स कई लोग साथ में जुड़ रहे हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड की दुनिया को हम और आगे ले जाए और किस तरीके से हमारे जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे एक्टर्स जो है लंदन में जाते हैं दुबई में जा रहे और वहाँ जाके शूटिंग्स करते तो वो हमारे देश में क्यों नहीं। हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है, हमारे देश का टैलेंट बाहर जा रहा है। ये होना चाहिए कि बाहर का से लोग यहाँ आना चाहिए, टूरिज्म यहाँ बढ़ना चाहिए। उस बेस को लेकर हम एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार से बात करके एक किस तरीके से इनको बढ़ाना चाहिए। कई लोगों को हम स्ट्रगल करते देख रहे हैं कि आज देश में उनका टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, तो प्लेटफॉर्म कैसा मिलेगा। तो ऐसे जो लोग हैं गुरमीत जी जैसे लोग हैं जो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं उनको किस तरीके से हम बढ़ावा देंगे और वो देश के छोटे छोटे टैलेंट को बाहर लाकर देश के सामने रखेंगे और उसके अंदर सरकार उनकी मदद करेगी। खासतौर पर आने का मकसद ये था, आज आया आने के बाद बहुत सारे बच्चे के साथ में एक सेलिब्रेशन करने का मौका मिला। मैं सभी बच्चों को दुआएं देता हूं, सभी पेरेंट्स को दुआएं देता हूं, जितने भी लोग हैं और मेरे देश में मेरे शहर में इस नवी मुंबई में जितने पेरेंट्स जो सोचते हैं उससे कई ज्यादा बुलंदी पे उनके बच्चे जाए और इनकी क्लासेस को भी और तरक्की मिले, गुरमीत जी को भी तरक्की मिले, उनके हर काम में ये हाजी अराफात शेख अच्छे तरीके से उनके सारे अच्छे काम में मैं उनका साथ दूंगा जरूर। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज जो यू नो हमने अनाउंसमेंट की कि एक ग्रूमिंग एक्टिंग एंड मॉडलिंग कोर्स जो आने वाला है जो गुरमीत जी की एकेडमी के थ्रू आने वाला है। तो इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव, जैसे गुरमीत जी ने कहा एंड यू नो इवन दी अदर गेस्ट्स यू नो दे सेड कि काफ़ी लोग बॉम्बे जाते हैं या दे गो आउट ऑफ इंडिया टू स्टडी एक्टिंग टू स्टडी ऑल दीज यू नो फाइनर आर्ट्स जो होते हैं, तो वाई नॉट क्रिएट एक सेटअप उनके लिए इन न्यू बॉम्बे इटसेल्फ। तो वो एक काफ़ी अच्छा यू नो इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, ऑफकोर्स आई एम हैंडलिंग द थिएटर इन द एक्टिंग पार्ट क्योंकि वो मेरा फोर्टे है। सो आई एम ग्लैड कि ये सिर्फ एडल्ट्स के लिए नहीं है, इट्स ऑल्सो फॉर अ बिगर एज ग्रुप लाइक अ लार्ज रेंज यू नो फ्रॉम 6-7 ईयर्स टिल 45 to 50। तो सब लोग के लिए कुछ ना कुछ है एंड इट्स अ वेरी होलसम कोर्स, लाइक यू हैव एक्टिंग, यू हैव ग्रूमिंग, यू हैव मॉडलिंग, सो एवरीबडी लर्न्स हाउ टू बिकम अ होल परफेक्ट पैकेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लॉन्च ऑफ द कैलेंडर एंड इट्स अ ग्रेट ग्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग समथिंग ऑन द क्रूज लाइक दिस एंड it's an excitement to have to be a part of Gurmeet Gara's grooming school and it's been ages now that I've been a part of it and I'm so happy that we've come so long that we've you know we've started launching our calendars on the cruise, which is a big thing, and I'm really happy to see kids, families, mothers, ladies, all of them coming in making an effort on a weekday and
being a part of this activity. You really need efforts to do that, and I'm really happy that Gurmeet ji has done such a great initiative. As always, it's not the first time, but I've always had this chance to be a part of such activities earlier also, and I'm really excited to announce that, you know, we me, Gurmeet ji and Abhishek, it's Gurmeet sir's dream that he had planned that we're doing something called as the GAM. It's the Academy for Model Grooming Acting. It's a grooming, acting and modeling academy basically. So we're doing everything for all the age groups from the age of 18 to 50, and I think it's going to be a great platform for everybody here and for all, everybody from across the city as well. Gurmeet ji, आज बहुत ही शानदार तरीके से गुरमीत द्वारा ग्रूमिंग स्कूल प्रेजेंस जो कैलेंडर लॉन्च हुआ है, जिसमें बच्चे और लेडीज को आपने मौका दिया नो कैलेंडर शूट में रहने का, सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट जो आप लेकर आए हैं, इसके पीछे का क्या मकसद था? आए हुए सभी गेस्ट जो थे कौन कौन थे और उनका साथ किस तरीके से, और जो इनिशिएटिव आप लेने वाले हैं उसके बारे में जनता को बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस इवेंट को कवर किया है, बिकॉज विदाउट कवरेज विजिबिलिटी नहीं है हमारे काम की, तो मैं इस बात को बहुत महसूस करता हूँ। और हमारा जो कैलेंडर लॉन्च है किड्स के लिए, जो है मोस्ट फोटोजेनिक किड्स एंड टीन्स मॉडल्स फैशन कैलेंडर, ये जिन बच्चों को आगे जाना है इंडस्ट्री में उनका हमें एक शोकेस हम करते हैं उनके परफॉर्मेंस का, तो उनका हम एक ब्यूटीफुल शूट करके हम इसको आगे प्रमोट करते हैं ताकि बच्चों को हमारे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स में काम मिले। सारे बच्चों को तो नहीं मिलता है, बट बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, बट कुछ आगे जाने का रास्ता जरूर मिलता है। उसी तरीके से जो हमारा मोस्ट ग्लोरियस वेमेंस कैलेंडर है, ये भी ब्यूटी और ग्लैमर के अलावा एक रिकॉग्निशन है कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो हमारी जो लेडीज जिनको हमने फीचर किया है वो सब अपने अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में हमने एक ही लेडी को हमने सेलेक्ट किया है, तो आज उसका एक ब्यूटीफुल लॉन्च हमारा यहाँ पे सेलिंग क्रूज, जो कि फ्लोडीन सेलिंग क्रूज है, सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई में बहुत अच्छे से हो गया है, और इसमें बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ थे, जिसमें कि हाजी अरफत शेख भाई जो हमारे बहुत क्लोज हैं, जो कि महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के हेड हैं, और जो कैबिनेट मिनिस्टर स्टेटस का जो है ना रिस्पेक्ट उनको मिला हुआ है, वो हमारे पास खास मुंबई से आए थे। और हमारे जो फैशन इंडस्ट्री और एक्टिंग फील्ड से संदीप धर्मा जो पुणे से खास आए हैं थे यहाँ पे, और अभिषेक बैनर्जी फ्रॉम द एक्टिंग फील्ड, ही केम फ्रॉम मुंबई प्रॉपर। तो हमने आज सबके सामने अपना एक प्रोफेशनल ग्रूमिंग, एक्टिंग और मॉडलिंग कोर्स भी यहाँ पे लॉन्च किया है, ताकि जो भी आगे जाना चाहते हैं तो उनको हम एक प्रोफेशनल कोर्स, एक नॉलेज दे के हम उनको आगे प्रमोट कर सकें, ताकि उनकी ड्रीम्स और डिज़ायर्स पूरी हो सकें। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज सिया मैम और सारी टीम में, वायलेट स्टूडियो, बबलू सिंह भाई, पाहुल और लैक्मे एकेडमी, देव अग्निहोत्री, और हमारे सारे जो स्पॉन्सर्स हैं, दिशा ग्रुप हो गया, ड्रीम्स मेकर्स, एसके ग्रुप, सब ने हमारा यहाँ पे साथ दिया है, और ये बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट जो है आज अंजाम पा चुका है। मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आगे भी आप हमारा साथ देते रहिए, बस थैंक यू सो मच। मैडम, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूंगा, जैसे कि आप इतने सालों से गुरमीत जी के साथ बंधी हुई है, तो कहते हैं चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम द होम, तो घर के जो ग्रूमिंग के गुरमीत भाई साहब हैं, तो उनके साथ में जो उन्होंने आप पर भी नेचुरली कई ऐसे मौके आए होंगे, जब हालांकि आपको देख कर मैं कोई भी कह सकता कि वेल 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 ग्रूम, नो डाउट, तो अपने आप में जो नेचुरल क्वालिटी तो है जो भगवान ने दी, उसके अलावा ऊपर से इन्होंने आपको इस बारे में कुछ जो ग्रूम किया संवारा हो जिस तरीके से। हाँ बिल्कुल, मैं तो इनसे रोज ही सीख रही हूँ, रोज ही सीखती हूँ, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि क्योंकि सर जो है इतनी लेडीज को, इतने बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं, मतलब ये ग्रूमिंग जो है सबको जरूरत है, तो मैं खुद भी बहुत ग्रूम हो चुकी हूँ।
आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आप उन्हें देख सकें और अपने वैल्यूएबल कमेंट देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।